ऑल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट हमने की जो जनरेशन है वो हमने ऑलरेडी की हुई है। आपको याद होगा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में एक मशीन थी एसी डायनमो, या एसी जनरेटर या एसी डायनमो। एसी डायनमो में क्या होता था, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता था। जब कॉयल रोटेट करती थी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें जो करंट डेवलप होता था ये डीसी करंट है जो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट था वो कुछ ऐसा था। अगर आपको इसकी वैल्यू याद हो ईएमएफ की, तो वैल्यू क्या होती थी, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने इसका प्रूफ भी किया था। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग करंट्स कैसे होते हैं, करंट एक बार अपनी डायरेक्शन इधर रखेगा, एक बार इधर रखेगा और अपनी वैल्यू को भी चेंज करेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू मान लो 0 से 3 एम्पियर है, फिर -3 और फिर 0 है। तो कॉन्टिन्यूसली हर वक्त करंट अपनी वैल्यू को क्या करता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। वायर में जब ये करंट दौड़ेगा तो कैसे दौड़ेगा, मान लो मैक्सिमम करंट इसमें 3 एम्पियर है तो पहले इस तरफ जाएगा 0 1 2 3 2 1 0, फिर इधर चला जाएगा 1 2 3 2 1 0, फिर इधर जाएगा 1 2 3 2 1 0, फिर इधर जाएगा। तो बेसिकली साइकिल चेंज करने का मतलब करंट अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और अपनी वैल्यू को भी कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट्स हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स जो हैं कहाँ से बने थे, एसी डायनमो से, डैम पे हमने बनाया था। और यहाँ तक आते 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 मान लो वहाँ पर 2000 वोल्ट पे बिजली बनी थी, हमारे घर तक आते आते 2 वोल्ट रह गई। क्यों, क्योंकि मोटी मोटी वायर्स हैं बीच में, तो पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से हमारे घर तक वोल्टेज आ नहीं पाएगी जितनी आनी चाहिए। हमारे अप्लाइंसेज कितने वोल्ट पे चलते हैं, 220 वोल्ट पे। तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 2 वोल्ट को वापस 220 कर देगा, हमारी मशीन चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन है। अब मान लो हमारे घरों तक ऑल्टरनेटिंग करंट आ गया, अब हमें इक्विपमेंट्स चलाने हैं। इक्विपमेंट्स के अंदर क्या होगा, इक्विपमेंट्स के अंदर रजिस्टर लगा होगा, कोई सोलेनोइड होगा, कोई कैपेसिटर होगा। तो क्योंकि हमने इसका बिहेवियर इंडक्टर का, इंडक्टर मीन सोलेनोइड, रजिस्टर कैपेसिटर, इनका बिहेवियर हमने डीसी करंट के साथ स्टडी किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट करंट हमने किया हुआ है, तो डीसी करंट के साथ हमने, हमें पता है रजिस्टर कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटर में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता है। पर हमें ये नहीं पता कि जब एसी करंट पास किया जाता है तो रजिस्टर में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होगा और कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा। तो ये चैप्टर इसी में डील करता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको जब पास करते हैं रेजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में, तो वो क्या क्या वैल्यू के साथ पास करेगा, ये पूरा चैप्टर इसी में डील करता है। लेकिन उससे पहले हम करंट को पास करें, पहले करंट को समझ लेते हैं कि करंट है क्या और करंट की वैल्यूज लेनी क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर डीसी करंट नहीं है कि एक फ्लैट करंट है 3 एम्पियर तो हर वक्त 3 एम्पियर यूज होगा, ऐसा नहीं है। करंट यहाँ पर हर इंस्टेंट पर अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इससे पहले मैं चैप्टर आगे चलाऊं, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें कुछ मैथमेटिकल इंटीग्रेशन यूज होंगी। पूरे चैप्टर में 6 यूज होंगी टोटल, 5 या 6, और वो इंटीग्रेशन कैसे यूज होंगी वो बताऊंगा। पर हम उसको उसको अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब उसको प्रूफ के अंदर हम लगाएंगे नहीं, उसका रिजल्ट याद करेंगे। आपके एनसीईआरटी की बुक भी सीधा रिजल्ट याद करती, मतलब सिर्फ रिजल्ट यूज करती है, पर मेरे को बताना है कि कैसे यूज करना है। तो जब इस चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट एस है, एस है, तो उसकी इक्वेशन यूज करेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैथ्स वालों को पता है कि ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ होता है। और वोल्टेज को अगर रिप्रेजेंट करना है इसके साथ, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पे डैम पे बिजली हमेशा साइन का ग्राफ ही देगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी जो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा ग्राफ है करंट का, मर्जी है, ऐसा नहीं बना ऐसा बना। ये एक्चुअल में कॉयल की ओरिएंटेशन डिसाइड करती है। कॉयल अगर ऐसे पड़ी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो फिर तो साइन ग्राफ आता है, पर ऐसे पड़ी होगी, स्टार्टिंग ऐसे करेगी कॉयल घूमना, तो फिर कॉस का ग्राफ भी आ सकता है। और अगर ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, बीच में कोई कॉयल पड़ी होगी वहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी, फिर पता नहीं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या पता नहीं क्या आएगा। फिर वो याद है SHM की हमने प्रॉब्लम की थी, वेव की भी, फिर तरीके की इक्वेशन आती हैं। पर हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, हम यहाँ पर साइन के साथ ही काम करते हैं या मैक्सिमम कॉस के साथ काम करेंगे। हम डिसाइड कैसे करेंगे साइन लेना या कॉस लेना है, हमें क्वेश्चन पूछने वाला ही बताएगा कि आप साइन का ग्राफ लें या साइन की वेरिएशन लें या कॉस की लें, हमें क्या पता लगेगा क्या लेनी है। और अगर कुछ मेंशन नहीं है फिर हम साइन के लेके काम कर देंगे। क्लियर है? तो ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। दूसरा, मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा था, तो जैसे अगर आपका इस चैप्टर में कहीं पर भी आप देख लें कि साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी तक लेनी है, तो अगर इसको करेंगे
तो साइन ओमेगा टी की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है, डी टी बाई डी टी वन है, एक बार स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, एक बार जीरो तो कॉस जीरो। ओमेगा को पुट कर सकते हो टू पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल, कॉस टू पाई क्या होता है वन, और कॉस ऑफ जीरो क्या था वन, वन में से वन गया जीरो। तो आपने ये स्टेप्स कुछ नहीं करने, आपसे कोई नहीं पूछ रहा, आप एक फॉर्मूला याद करेंगे कि अगर साइन की इंटीग्रेशन जीरो से टी आ जाए तो सीधा आंसर क्या मार्क करेंगे, जीरो। हाँ मैंने बता जरूर दिया कैसे, पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला स्टेप क्लियर है, तो देखते ही साइन ऑफ एंगल कोई भी हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो से कैपिटल टी, आंसर क्या देगा, जीरो। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी, आंसर क्या देगी, जीरो। ये दो फॉर्मूला याद हो गए, तो साइन की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी, आंसर क्या देगी, जीरो। तीसरा फॉर्मूला, अगर कहीं पर दिख जाए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो मेडिकल वालों को बता दूं, नॉन मेडिकल वालों को पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैथ्स में लिखा जा सकता है वन माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी बाई टू, कहां से कहां, जीरो से कैपिटल टी। तो आप टू को बाहर, हाफ को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो वन डी टी की इंटीग्रेशन और कॉस टू ओमेगा टी की इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी बाई डी बाई डी टी ऑफ टू ओमेगा टी विच विल गिव टू ओमेगा। तो जब आप यहाँ ओमेगा की जगह अपर लिमिट टी पुट करेंगे और लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे और ओमेगा का टू पाई बाई टी पुट करेंगे, साइन फोर पाई जीरो की वैल्यू और ये भी जीरो, ये सब जीरो हो जाएगा और आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, टी बाई टू आएगा। तो आंसर आएगा इसमें टी बाई टू, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना है, कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन जीरो से टी, आंसर क्या देगी, टी बाई टू। स्टेप्स दिखाने के लिए, पर आपने सीधा फॉर्मूला यूज करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी आपको क्या आंसर देगी, टी बाई टू, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जीरो से टी फिर से क्या देगी, टी बाई टू। तो साइन और कॉस की इंटीग्रेशन जीरो से टी क्या देती थी, जीरो, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन आंसर क्या देगी, टी बाई टू। चार चीजें क्लियर हो गई, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सपोज करो आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ये मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं, कि लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी नहीं टी बाई टू तक, मान लो जीरो से टी नहीं, जीरो से टी बाई टू तक। तो साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या थी, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी, कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी बाय टू तक, क्लियर स्टेप। तो यहां से माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आ गया और डी टी बाय डी टी क्या होता है, वन, कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी बाय टू। ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, यहां से माइनस वन बाय ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी बाय टू तक, माइनस वन बाय ओमेगा कॉस ऑफ एक बार ओमेगा की जगह अपर लिमिट और एक बार ओमेगा की जगह लोअर लिमिट, माइनस वन बाय ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाय बड़ा टी इंटू टी बाय टू, माइनस कॉस जीरो क्या होता है, वन, माइनस वन बाय ओमेगा, टी से टी कैंसल, कॉस ऑफ क्या आ गया, टू पाई, माइनस कितना, वन, कॉस ऑफ टू पाई क्या होता है, कॉस ऑफ पाई, सॉरी, ओके ओके पाई, ओके, कॉस ऑफ पाई क्या होता है, माइनस वन। तो आंसर आएगा माइनस वन बाय ओमेगा, माइनस वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस टू, और माइनस क्या हो जाएगा, टू बाय ओमेगा। पॉइंट क्लियर है, याद करने की जरूरत नहीं, पर अगर ऐसा कुछ यूज हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्टेप्स लिए इसमें, ठीक है। यहां तक याद भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका आंसर टू बाय ओमेगा, इट्स ओके। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये बेसिक इंटीग्रेशन है। चार तो सीधे याद हो गई, उसको तो कुछ करना ही नहीं है, पांचवी मैंने कर दी सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं डेरिवेशन करवाने जा रहा हूँ उसमें यही यूज़ होने वाला है, ठीक है, मतलब ये पूरे चैप्टर के अंदर यूज़ होनी है,
तो मैं बार बार उस टाइम समझाऊं, इससे पहले ही मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं उससे पहले मैं समझा दूं कि ऐसा कुछ है, ठीक है, ताकि मेडिकल वालों को एटलीस्ट दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इसके अंदर अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुकलेट ओपन करेंगे तो पहला जो टॉपिक का नाम है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करंट है? एक ऐसा करंट जो जो अपनी वैल्यूज को हर वक्त क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो यानी कि ये एक इंस्टेंटेनियस करंट है, हर इंस्टेंट पर अपनी वैल्यू एंड डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि साइन का भी बन सकता है और कॉस का भी बन सकता है। तो इसमें जो करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर नीचे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी और ईएमएफ को ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ये पहले हम फिक्स नहीं कर सकते। हाँ, बाय डिफॉल्ट कुछ गिवन नहीं है, तो मैं तो ये यूज करूंगा इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं।